Hey everyone, this is me Manju. Welcome to my YouTube channel Women's Style Up. फ्रेंड्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं एक बार फिर से इस साड़ी की साड़ी टैपिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गई हूँ. सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी ले ली है और देखिए पेटीकोट, साथ में अपना फुटवेयर भी मैंने वेयर कर लिया है और पेटीकोट को मैंने राइट साइड बांधा है. और ये जो साड़ी है ना, ये क्रेप की है. मैंने पिछले वीडियो में बताया था बट फिर भी आप लोगों ने पूछा था. और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है. बाय लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो ये हमारी साड़ी कुछ इस तरह से है. इस पे जो ट्री की ब्रांचिंग नीचे साइड की तरफ बनी हुई है, पूरी साड़ी प्लेन है और इसका फैब्रिक क्रेप का है और ये इसका पल्लू है. तो हम साड़ी के एंड सिरे से स्टार्टिंग करेंगे. तो देखिए इस तरह से साड़ी का एंड सिरा लेना है और पहले हम राइट साइड की तरफ से टकिंग स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमें सामने का पार्ट अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करना है. अब हम साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे और सामने की तरफ आ जाएंगे. यहाँ पर साड़ी को हमें टाइटली से खींचना है. इसके बाद हम राइट साइड में अपने हाइट को चेक करते हुए टकिंग करेंगे. फिर बैक के भी पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेंगे. तो इस तरह से देखिए हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग हो गई है. अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू तक जाएंगे. तो ये हमारी साड़ी का पल्लू है. तो पल्लू का ये जो दोनों सिरा इस तरह से पकड़ लेना है और इसे हम गैदर करेंगे. इस तरह से गैदर कर लेने के बाद इसे बैक से घुमाना है और सामने की तरफ लेकर आएंगे. ये देखिए इस तरह से, और इसे हम वापस से खोल लेंगे. अब ये हमारा पल्लू का जो दोनों सिरा इस तरह से हमें पकड़ लेना है वापस से, और यहाँ से हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे. तो हमेशा की तरह देखिए फर्स्ट प्लीट मैंने चौड़ी ली है और उसके अकॉर्डिंग हम बाकी के प्लीट्स थोड़ी सी पतली बनाएंगे. तो यहाँ पर देखिए मेरा बॉर्डर अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसे मैनेज करके बाहर की तरफ लेकर आना है. और अब हम सभी प्लीट्स को यहाँ पर इक्वली से पकड़ लेंगे. इस तरह से देखिए हमने प्लीट्स को बना लिया है. इसे हाथों में उठाते हुए देखिए अपने लेफ्ट वाले हैंड से मैंने उठाकर इसे झटक दिया है. और अब हम वन बाय वन प्लीट्स को इस तरह से झटकते हुए अरेंज करेंगे. तो देखिए इतना पार्ट हमने रेडी कर लिया है. आप चाहो तो एक बार में भी अरेंज कर सकते हो, बट हम दो पार्ट में अरेंज करते हैं तो बहुत ही आराम से अरेंज हो जाता है. और यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाले हैंड से हमें पकड़े रहना है और फिर वैसे हम झटकते हुए वन बाय वन प्लीट्स को पकड़ लेंगे. तो देखिए फिर से हमारा इतना पार्ट रेडी हो गया है. इसे वापस से अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे ले जाएंगे और यहाँ पर हमेशा की तरह मैं घुटने से देखिए नीचे लेंथ रख रही हूँ अपने पल्लू की. और अब हम अपने ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे. तो यहाँ पर देखिए हमने सेफ्टी पिन भी लगा लिया है. अब ये जो प्लीट्स का अंदर वाला जो बॉर्डर है ना, सामने का हमारा पल्लू वाला, तो इसको हमें लेना है इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से ठीक करते हुए और टाइटली सिलाते हुए आपको मेज़र करना है. देखिए यहाँ राइट साइड तक. अब इतना पार्ट हमने मेज़र कर लिया ना, यहाँ पर हम पकड़ लेंगे और यहीं से हम प्लीट्स बनाने स्टार्ट करेंगे. तो मैं आज लेफ्ट हैंड से बना रही हूँ. अगर आप राइट हैंड वाले हो तो भी आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे साड़ी टैपिंग की ट्यूटोरियल मिल जाएगी. तो यहाँ से मैं प्लीट्स बनाने स्टार्ट कर रही हूँ. बहुत ही ईजी तरीका है. अगर आप ऐसे प्लीट्स बनाओगे ईजिली से बन जाएगा. देखिए बैक वाली फिंगर से मैंने टू पकड़ा है और सामने के टू फिंगर में फंसाते हुए मैं प्लीट्स को बना रही हूँ. अब यहाँ पर देखिए ये प्लीट्स जो है ना, इस तरह से हमारी आ गई है पूरे अच्छे से. अगर वो नहीं आती तो ज़बरदस्ती नहीं बनानी चाहिए. अब यहाँ पर देखिए हमने जो फैब्रिक मेज़र किया था ना, उसे हमें टाइट करने में यूज़ करना है. तो सबसे पहले हम ना ये जो प्लीट्स बनाए हैं इसको इक्वल करेंगे. देखिए ऊपर से अरेंज करेंगे, सभी प्लीट्स को इक्वली करना होता है. और जैसे जैसे आप सामने की तरफ आए थोड़ा सा डाउन भी जाएँ, नीचे की तरफ आते हुए अरेंज करें. तो देखिए इस तरह से हमने अरेंज कर लिया है. अब हम साइड से वन बाय वन प्लीट्स को इस तरह से अरेंज करते हुए आएंगे. और जब हम सामने की तरफ आएंगे ना, तो ये देखिए जो फर्स्ट प्लीट है इसे हमें ओपन करना है और राइट साइड की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा हो इसमें आपको ले लेना है. एंड इसे रखते वक्त ना मैं बाकी की प्लीट से देखिए थोड़ा सा नीचे रखती हूँ, ताकि जो फर्स्ट प्लीट हमारी कभी ऊपर हो जाती है तो नीचे से फॉल्स साइड से अनइवन प्लीट्स दिखती है वो दिखाई ना दे. अब देखिए अब जहाँ हमें टकिंग करना है ना, वहाँ पे आपको मेज़र करना है इस तरह से साड़ी को रखते हुए.
इस तरह से देखिए हैंड से मेज़र कर लिया मैंने, अब वहीं पर मैं इसे अरेंज करूँगी। और ये जो फैब्रिक है ना, ये आपको नहीं समझ में आता है, यही वाला मैं बाद में ट्विस्ट करके और टकिंग करती हूँ। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ, आपको नहीं समझ में आता कौन सा फैब्रिक हमें टक करना होता है, तो यही फैब्रिक मैं टक करती हूँ। तो फिलहाल उसे मैंने खोल दिया है और हम प्लीट्स को यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से जहाँ हमें टकिंग करना है मैंने अरेंज कर लिया, और बेली बटन के ठीक सामने रखते हुए अपने पेटीकोट में हमें इसे टकिंग करना है। अब इस तरह से टक कर लेने के बाद यहाँ एक सेफ्टी पिन की हब से इसे सिक्योर कर ले। अगर आपको पूरे दिन के लिए वेयर करना है तो आप सेफ्टी पिन लगाएं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। बट सेफ्टी पिन लगा लेने से आपकी प्लीट्स एकदम सही से सेट होती है, कभी खुलने के चांस नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने सेफ्टी पिन भी लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट्स बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो गई है। और ये देखिए जो फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, इसे हमें इस तरह से अपने सामने किसे टाइट करते हुए लेकर आना है। ये देखिए इस तरह से हम लेफ्ट साइड तक लेकर आएंगे टाइटली से करते हुए। और यहाँ देखिए वन हैंड जितना हमारा जा सके ना, इस तरह से देखिए उतना फैब्रिक हमने खोला है। और ये वाला जो फैब्रिक था देखिए, इसे आपको इस तरह से दूसरे वाले हैंड से पकड़ना है, राइट वाले हैंड से, और राइट साइड की तरफ खींचना है। यही फैब्रिक मैंने दिखाया था ना, मैं ट्विस्ट करके टकिंग करती हूँ स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी देर पहले वही वाला फैब्रिक है। देखिए इस तरह से हमें टाइटली से खींचना है, क्योंकि हमने सेफ्टी पिन लगाया तो हमारी प्लीट्स ख़राब नहीं होगी, अदरवाइज आप प्लीट्स पकड़ के खींचे। और देखिए ट्विस्ट करके हम इसे पेटीकोट में पहले अंदर वाला टक किए हैं, और अब हम ऊपर वाले पार्ट को भी अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं आया है, तो इस तरह से ये मैनेज हो गया बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर ये जो सामने की प्लीट्स है, झुककर थोड़ा सा आप हिला देंगे तो ये क्रेप का फैब्रिक है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा फाइनल लुक कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।